गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. गुप्ताजी, एक चोरी की घटना हुई है सरापा बाजार में, एक चोर को पकड़ा गया, तो इस संदर्भ में आपको क्या लगता है कि क्या मानस शास्त्रीय कारण क्या हो सकते हैं कि चोर लोगों की जो चोरी की बहुत घटनाएं बढ़ रही है और जो विश्वासु साथीदार है कर्मचारी वो भी चोरी चपाटी करने लगे हैं, क्या लगता है आपको क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे ना जो है ना आज के ना एक न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि है ना 17 लाख का है ना मुद्देमाल है ना पकड़ा, ये चोरी का है ना पकड़ा गया उनके यहाँ पे 17 लाख का चोरी को पकड़ा गया हुआ है. इसके पीछे उनमें न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि जो कर्मचारी था वो जुआ सट्टा ये खेलने में लग गया हुआ था और इसके नाम में उन्होंने ना पूरा पैसा वहाँ पे खर्च कर दिया उन्होंने पूरा, और इसके कारण है ना अपने आप को बचाने के लिए उसने चोरी का माध्यम है ना वापरा हुआ है कि चोरी करके ये पैसा बने. तो इसके पीछे अगर पुलिस ने पकड़ा है तभी भी मैं एसपी साहब को यही बोलना चाहूँगा इसके विषय में कि अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस भी इसमें जवाबदार है. सामने नहीं है लेकिन है ना जो जुए अड्डे अड्डे चल रहे हुए है ये गल्लों के लिए किसके अर्थपूर्ण कृपा दृष्टि से चल रहे हुए ये है ना मानिए रेड्डी साहब ने ना इसको ना इसका ये करना चाहिए कि अगर आप नहीं भी ले रहे हुए आप अगर जो है मेरी जहाँ तक जानकारी कि एसपी साहब अभी तक के ना कोई ना इसका रोल नहीं है, उन्होंने कार्रवाई कर रहे हुए. मैं आपको इसके बारे में एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति है ना एक ट्रेन स्टैंड पे ट्रेन रुकी, ट्रेन में से कुछ व्यक्ति उतरे, उसको टीटी सामने खड़ा हुआ था गेट पर, तो टीटी को देखकर टीटी ने जब से टिकट मांगा तो वो व्यक्ति आगे आगे जोर के भागने लगा. उसके पीछे आगे तक के ना जो है टीटी भी भागा पकड़ने के. थोड़ी दूर जाकर टीटी ने ना उसको पकड़ा बोले टिकट, तो वो व्यक्ति ने टिकट निकाल के दिखा दिया कि ये मेरे पास में टिकट है. तो टीटी ने उसने पूछा कि तेरे पास में जब टिकट था तो तू भागा क्यों, तो वो बोला मेरे पास में टिकट था लेकिन मेरे जो बाजू साथ वाले थे उनके पास में नहीं था. तो इस करके ऐसा ही आज ना हो रहा है, ऐसा लगता है कि जलगांव में जो अवैध धंधे वगैरह है वो है ना नीचे के जो सब लोग है ये ना लिप्त है इसके अंदर. मैंने ना यादी भी प्रकाशित की हुई है और एसपी साहब को जाके व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे भी दी हुई है और उनको जाके मिला हुआ भी है, कार्रवाई की विनंती की है. अवैध हमारा बंद होना चाहिए. हम यही जानना चाहते है कि जब कभी पुलिस से कोई शिकायत करता है तो पुलिस का कहना रहता है कि कहाँ चल रहा है आप बताओ. पुलिस कहती है कि आप हमें सबूत दो कहाँ चल रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे. जैसा कि आपने ट्वीट पे स्पॉट भी बताया कहाँ कहाँ पर सट्टे चल रहे हैं. जलगांव के जाबाज रिपोर्टर आनंद दिनाना शर्मा जी ने भी बहुत सारे विजुअल के साथ पुख्ता सबूत दिए कि यहाँ पर सट्टेबाजी चल रही है. बावजूद उसके अभी तक की कोई ठोस कार्रवाई हुई या सट्टेबाजों पर रोकथाम लगी, वॉचआउट हुआ, ऐसा कुछ दिखा नहीं है. और महेश्वर रेड्डी साहब जो नए एसपी साहब है ये साफ सुथरी छवि रखते हैं, तो आपको क्या आशा है? मुझे रेड्डी साहब से यही आशा है कि ये अवैध धंधे बंद होना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट ये बंद होना चाहिए जहाँ पर भी हो. रेड्डी साहब ने ना पीछे ना चिंता साहब जब आए थे उन्होंने एक हेल्पलाइन जारी करी थी जहाँ पर भी अवैध धंधे दिखते हैं आप मुझे कॉल कीजिए मैं कार्रवाई करूँगा. आज ऐसी ही आशा है ना रेड्डी साहब से भी है क्योंकि बगैर है ना इनके है ना नीचे वाले के पुलिस वालों के जो है समर्थन के धंधे नहीं चल सकते. कोई कह सकता है एक पिक्चर का डायलॉग था कि ना पुलिस अगर चाहे तो मंदिर के आगे की चप्पल भी कोई नहीं चुरा सकता, तो फिर तो ये तो अवैध धंधे है. आपने जो ट्वीट किया था इसको कोई रिप्लाई या फॉलो अप फीडबैक कुछ? कुछ रिप्लाई नहीं अभी तक के. साहब ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से बोला था मैं कार्रवाई करूंगा, आज 3 से 4 दिन हो गए लेकिन कुछ भी कार्रवाई हुई ऐसा कोई भी न्यूज भी नहीं है और ये भी नहीं. और दूसरा मैंने साहब से विनती करी थी कि साहब ये जो कार्रवाई है वो दिखावे की कार्रवाई नहीं हो क्योंकि प्रत्यक्ष में ऐसा होता है कि पुलिस है ना खुद ही है ना सट्टे वाले को बोलते हैं कि तेरा एक आदमी 1,000, 2,000, 1,200 रुपए लेके भेज दे, वो कार्रवाई दिखा देते हैं और वही रिपोर्ट ऊपर कर देते हैं कि हमने कार्रवाई की है. ये बात भी मैंने एसपी साहब से बोली है कि दिखावे की कार्रवाई नहीं, उसको बंद होना चाहिए. आपने जो ट्वीट किया था उसमें के कुछ स्पॉट ऐसे हैं जो पुलिस चौकियों से 100 मीटर के अंदर की भी है, तो मैंने पूरे नाम और इसके साथ में दिया हुआ है. अगर आपको अगर लगता है कि है ना ये तो इनका खुफिया यंत्र भी होता है, LCB होता है, उसके बाद में ना DB होता है, तो ये पृथक है ना. अगर नागरिकों ने ही पुरावे देना है तो आप नागरिकों को पकड़ने का अधिकार भी दे दीजिए, वही कुछ पकड़ के आपको डायरेक्ट ला के दे देंगे, उसके बाद में आपको कुछ काम नहीं करना है फिर. और उसके बाद में फिर भी नहीं होता है आपसे तो वो भी FIR लिखने का भी अधिकार दे दीजिए, FIR भी वो नागरिक लिख लेंगे. LCB का आपने उल्लेख किया है,
पूरे जिले पे नजर होती है एलसीबी की, तो क्या लगता है आपको कि एलसीबी का बड़ा फेल्यूर है कि आप एक डजन सट्टेबाजों के नाम और एड्रेस दे रहे हो फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती? एलसीबी का जो है, एलसीबी का भी इसमें फेलियर है ही, इसका कोई दो मत नहीं है कि फेलियर नहीं है। कुछ साल पहले तक के एलसीबी के हफ्ते नहीं होते थे, अभी है ना एलसीबी के भी हफ्ते शुरू है, ऐसा मेरा बोलना है।